YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं पूरा महादेव मंदिर। पूरा महादेव मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही ये पार्किंग बनाई गई है, आप देख सकते हैं। अब हमें दोस्तों लगभग 1 किलोमीटर का जो ट्रैवल है वो पैदल ही तय करना पड़ेगा, लेकिन पार्किंग ये बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। केवल इस पार्किंग के लिए 20 रुपये चार्ज लिया गया है। तो चलिए दोस्तों अपनी इस पूरा महादेव यात्रा को कवर करते हैं और देखते हैं कि कावड़ियों के समय, शिवरात्रि के समय वहाँ क्या माहौल होता है। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। यहाँ पे दोस्तों पुलिस प्रशासन की पूरी जबरदस्त तरीके से तैनाती की गई है और पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा सतर्क है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ये कोई नदी नदी वगैरह क्या चीज है? हिंडन नदी है तो। अच्छा हिंडन नदी है, बहुत बढ़िया। अभी शुरुआत ही करी। Thank you.
जय बाबा की।
मीडिया वालों को। पूरे माध्यम 30 रुपये बेचे आज हम आ गए हैं मेरठ स्थित पूरा महादेव मंदिर में। आज दोस्तों शिवरात्रि है और आज यहाँ पर जल चलाने की प्रक्रिया पूरे जोर शोर से चल रही है, क्योंकि दोस्तों जल 7 बजे का है, इसलिए दोस्तों अभी उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं पूरा महादेव मंदिर है, ये दोस्तों चारों तरफ का बैकग्राउंड है। यहाँ आप देख सकते हैं कांवड़ियों की बहुत सारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। पूरा का पूरा इलाका कांवड़ियों से खचाखच भर चुका है। यहाँ दोस्तों बहुत ये दोस्तों सबसे ज़्यादा फेमस शिव मंदिर है और इस मंदिर की अपनी मान्यता है, और यहाँ का जो शिवलिंग है वो अपना रंग परिवर्तित करता है। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे बैकग्राउंड में मंदिर, और ओवरऑल दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, बहुत ही ज़्यादा पौराणिक है और बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर में जल चढ़ाने की अपनी मान्यता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस मंदिर को कवर करते हैं और देखते हैं और कोशिश करेंगे दोस्तों आपको शिवलिंग के भी दर्शन कराने के। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं।
जय बोले जी। मेरा भी आया था इसमें फोटो। हाँ आ गया भैया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। साइड में
न्यूज नहीं ब्रदर यूट्यूब
दोस्तों आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये पूरा महादेव मंदिर के मेन एंट्रेंस से पहले राम बाजार के नाम से टेम्परेरी स्टॉल्स लगते हैं। यहाँ पर आपको बच्चों के खिलौने वगैरह और पूजा सामग्री वगैरह सारे के सारे सामान देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों ये मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, यहाँ से हम पूरा महादेव की तरफ एंट्री करेंगे। तो चलिए दोस्तों पूरा महादेव की एंट्री करते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं। जय बोलेगी। दोस्तों अब हम पूरा महादेव मंदिर के अंदर की तरफ जा रहे हैं और शिवलिंग के दर्शन करेंगे और सारा का सारा नज़ारा सारा का सारा मंदिर आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों तेज़ी से बढ़ रहे हैं, देखते हैं हमें पुलिस वाले कहां तक जाने के लिए देते हैं, क्योंकि शिव यात्रियों का सीन है तो शायद हमें आगे ना बढ़ने दें, बाकी वहाँ जाके सब कुछ पता चल जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पुलिस वालों की चौकी बनी हुई है, कांवड़ियों ने अपने कांवड़ को यहाँ पर फिट किया हुआ है। जय बोलेगी। भैया गौरव कुमार चंडीगढ़। ये दोस्तों अब हम सीधा बढ़ चले हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए। ये दोस्तों दूसरा एंट्रेंस है जहाँ से हम आए हैं अपने एक्टिवा खड़ा करके। अब दोस्तों देखते हैं कितने देर में हमें दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ से रास्ता चल ही रहा है, यहाँ से भी लाइन चली रही है, दो लाइन बनाई हुई है मेरे ख्याल से, बाकी आगे चल के सब कुछ पता लग जाएगा। बोले एक थोड़ा सा साइड बस। दोस्तों यहाँ पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग की हुई है, इसके आगे आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको इन पाइपों के अंदर से ही जाना पड़ेगा जो कि लेन बनाई हुई है। ये सामने हम शिव मंदिर देख सकते हैं जिसके दर्शन के लिए हम अब पहुँचे हुए हैं। पूरा महादेव ग्रामीण कन्या दोस्तों मंदिर आप देख सकते हैं। अरे मंसूरी का दैया भैया हमारे देख लीजिए महाराज का जल्दी खड़ा हो जाए। सुनो ओ अनुजन ओ भगवान जय बोल प्रभु महादेव जय। तो ड्राइवर आज आओगे फोटो बोले आ गया सबका आ गया बोलेंगे पर्दे खोले जय बोलेंगे जय भगवान जय बोल पूरा महादेव की जय। बम बम बोले जय बम बोले। बोले ये लाइन भी सीधी दर्शन के लिए जा रही है ना। अरे भाई भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।
कि भक्तों से निवेदन है मेरा परिसर में प्लास्टिक के पॉलिथिन बैग अन्य सामान का प्रयोग न करें। मेरा परिसर में स्वच्छता का अपने पर्स मोबाइल तथा की सामान का स्वयं ध्यान रखें। न्यूज चैनल नहीं है उधर उधर यूट्यूब चैनल जय बोलेगी बम बम बोले बोले यहाँ से वीडियो बननी बन गई बोले गौरव कुमार चंडीगढ़ हर हर महादेव जय जय हर हर महादेव वीर बजरंगे हर हर महादेव वीर बजरंगे हर हर महादेव बलपुरा महादेव की जय बलपुरा महादेव की जय। भोले डकौड़ वाले हैं जो भागते हुए जा रहे हैं Yeah.
दोनों लाइनों में अंतर क्या?
जय बोलेगी, जय बोलेगी। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।
सभी विपक्षों से निवेदन है कि मेला परिसर में प्लास्टिक के बैग, पॉलिथीन, अन्य सामान का प्रयोग न करें। मेला परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपने पर मोबाइल एवं सामान का स्वयं ध्यान रखें। कोविड नियमों का भी पालन करें। मेला परिसर नहीं बैठे पहले जी।
विषय ले रहा है। Thank you.